मेहनत में कोई कमी नहीं, संघर्ष में कोई कमी नहीं, तो आपसे कहना चाहता हूं युवाओं के साथ सिर्फ न्याय होता रहे, उनको उनकी काबिलियत के आधार पर मौके मिलते रहे। जब चुनाव आते हैं और मैं प्रचार करने जाता हूं तो मेरे सामने हमेशा बीजेपी खड़ी रहती है, और आप सब जानते हो जब जब मैं प्रचार करता हूं मैं उनका धुआं निकाल देता हूं। मैं आपसे बड़ा हूं, मेरा दायित्व बनता है मैं आपको सही बात बोलूं, आपके संस्कारों को जगाऊं, आपकी परवरिश ऐसी होनी चाहिए कि आप लोगों का मान सम्मान करो, लोगों को इज्जत बख्शो, और इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, नौजवान साथियों, मेरे दोस्तों, आप इस कॉलेज में पढ़ते हो, आप इस कैंपस में पढ़ रहे हो, बड़े खुश नसीब हो। ऐसे लाखों करोड़ों बच्चे हैं जिनको इन कॉलेजों की चार दीवारी नसीब नहीं है। आप इस अवसर का, इस माहौल का, आपको एक अच्छे वातावरण में पढ़ने का जो वरदान मिला है इसका सदुपयोग करें, और अपने आचरण में, अपनी भाषा में, अपनी बोली में, अपने विचार में, अपने व्यक्तित्व में ऐसी चीजें लेकर आओ ताकि आपसे आगे आने वाली पीढ़ी, आपसे आने वाली आगे पीढ़ी आप पर गर्व कर सके, आपको सम्मान दे सके। मैं तो आपसे कहना चाहता हूं युवाओं के साथ सिर्फ न्याय होता रहे, उनको उनकी काबिलियत के आधार पर मौके मिलते रहे, उनकी प्रतिभाओं को हम रोकने की जगह बढ़ाने का काम करें, संतुलित संयमित अनुशासन के साथ आप लोगों को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएं, वो सब संसाधन आपको मिले जिनको लेकर आप अपना जीवन बेहतर कर सकते हो, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। अब दोस्तों, जब चुनाव आते हैं और मैं प्रचार करने जाता हूं तो मेरे सामने हमेशा बीजेपी खड़ी रहती है, और आप सब जानते हो जब जब मैं प्रचार करता हूं मैं उनका धुआं निकाल देता हूं। तो राजनीति में, लेकिन मेरे विरोधियों का जो मेरे सामने चुनाव लड़ते हैं, जो मेरा विरोध करते हैं, मैंने हमेशा उनको मान सम्मान दिया है। मैंने उनके प्रशासनिक कार्रवाइयों को, उनकी नीति को, उनके कानूनों को, उनके काम करने के तरीकों को और उनके भ्रष्टाचार को मैंने उजागर करने का काम किया, लेकिन मैंने कभी भी अपने विरोधियों के सामने उन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जो शब्द मैं अपने लिए नहीं सुनना चाहता। और ये बड़ा अच्छा फॉर्मूला है, अब ध्यान से सुनो, जो शब्द जो बातें आप अपने लिए नहीं सुन सकते वो औरों को नहीं बोलनी चाहिए। 13 से 18 तक जब हम विपक्ष में थे तो आप में से कुछ लोगों को याद होगा, कुछ की जानकारी होगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस अध्यक्ष के नाते उन 5 सालों में हमारी मेहनत में कोई कमी देखी आपने? मेहनत खूब करी, बोलो हाँ कि ना। संघर्ष में कोई कमी दिखी? मेहनत में कोई कमी नहीं, संघर्ष में कोई कमी नहीं। भैया नारेबाजी मत करो, मेरी बात को ध्यान से सुनो और सिर्फ जवाब देना। मेहनत में कमी दिखी? संघर्ष में कमी दिखी? रगड़ाई में कमी दिखी?